बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। मैथ्स 9th है। 2.4 एक्सरसाइज में ना कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने का मतलब पावर्स के लिए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना हम ब्रेक करेंगे, ये 243 लिखा हुआ है आपके पास, तो 243 को ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम देख लेते हैं इसको। इसको ना ये प्रोसेस है 243 को ब्रेक करने का। 381 सा, 327 सा, 39 सा, 33 सा और 31 सा। तो जितने भी नंबर्स हैं आपने इनको इसी तरीके से क्या करना है, ब्रेक करना है। तो कितने 3 आ रहे हैं, 5 3 आ रहे हैं। यहाँ पे हम 5 3 इसकी जगह पे लिख देंगे, माइनस 2 बाई 3। और 32 32 को हमने तीन दफा पीछे ब्रेक कर चुके हैं, ये 5 2 जाएंगे, माइनस 1 बाई 5। इसके बाद 196 को भी ब्रेक करें, तो 196 को ब्रेक करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ये 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 249 जा 2 सॉरी ये 7 का टेबल अब जाएगा, 7 7 जा और 7 1 जा, राइट हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर फॉर्म में लिखते हैं पहले। और ये आ जाएगा 196 की पावर माइनस 1 और होल पावर क्या आएगी, 1/2। अब पावर पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इसको देखें कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि 3 की 5 कर देते हैं इसको, पावर माइनस 2/3 कर देते हैं। और इसको भी लिखते हैं 2 की पावर 5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाय ये 96 जो है ना, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी 196, तो इट वुड बी माइनस 1/2। अब अगर पावर नेगेटिव है ना, तो पावर को हम क्या करते हैं, मूव करके पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो नेगेटिव पावर है ना, इसको ऊपर ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये ऊपर वाली जो नेगेटिव पावर है ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो आप उन्हें क्या कर लें, पॉजिटिव बना लें। तो ये हम 196 को ऊपर ले जाते हैं, 196 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस 1/2 आ जाएगा। और ये 3 की ये पावर 5 है और ये नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह 2 की 5 की पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपने करना ये है कि कुछ कटिंग्स करनी है और देखना है क्या आता है। 96 को हमने लिखा है 2 × 2 × 7 × 7 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 × 2 = 10, ये आ जाएगा 10/3। और ये 5 5 से कट गया तो 2, ये 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, अब आ जाएगा आपके पास 2 का स्केयर इंटू 7 का स्केयर। और पावर को अलग अलग मल्टीप्लाई करते 1/2, इसके साथ अलग अप्लाई कर दे, इसके साथ अलग अप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 3 की 10/3 और 2, ये स्केयर स्केयर से कैंसिल होगी, ये भी स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया। तो 2 × 7/3 की 10/3 इंटू 2 से काट दे, तो आंसर वुड बी 7/3 की 10/3, ये आंसर आ गया। तो इसको आपने ना जस्ट सिंप्लीफाई करना है, अनटिल अनलेस के ये पावर्स रिजॉल्व होके कटिंग वगैरह नहीं हो जाती। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी कुछ ऐसे ही है, सेम वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, नंबर्स को आपस में इकट्ठा लिख लेते हैं। 2 × −8 इनको इकट्ठा कर लिया, एक्स की 5 × x की −3 इनको इकट्ठा कर लिया, x की −4 × y का स्क्वायर। तो सेम टर्म्स को ना हमने इकट्ठा इकट्ठा लिख लिया, एक साथ लिख लिया, इनको कंबाइन कर लिया। अब 2 8 जा कितना होता है 16, और इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस इनटू माइनस माइनस 2 8 जा 16, बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, इधर भी बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये आपने बात याद रखी कि जब भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे भी y और y सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सेम बेसिस जब भी मल्टीप्लाई हो रही होगी उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा −16 x² y − 2। अब y की पावर नेगेटिव है तो इसे हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ये आंसर आ गया। तो पावर को डिनोमिनेटर में ले जाना है इनकेस अगर वो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो नीचे ले जाए तो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर नीचे नेगेटिव है उसको ऊपर ले जाए तब पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पे भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, x की 4 y की −3 z की 0 और x की −2 y की −1 z की −4
ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन इस तरह लिखा गया ए ओवर बी की पावर माइनस एन, यानी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है, तो आप फ्रैक्शन को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। राइट हो गया। तो जब कभी भी आपके पास फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो, आपने क्या करना है, उसको उल्टाना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो यू विल गेट पॉजिटिव पावर। अब आपके पास ये पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हमने करना यह कि नीचे वाली टर्म्स को ऊपर मूव करना है, तो नीचे वाली टर्म्स को हम ऊपर कैसे मूव करेंगे ये भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई की माइनस थ्री, जेड की जीरो, ये वन के इक्वल होता है, जिसकी पावर जीरो हो वो वन के इक्वल होता है। अब ये नीचे से ऊपर जब जाएगा एक्स, तो इसको डिनोमिनेटर से शिफ्ट करेंगे न्यूमिनेटर में, ये एक्स की पावर प्लस टू आ जाएगा, ये वाई ऊपर जाके प्लस वन आ जाएगा, जेड की प्लस फोर आ जाएगा। तो ये जब डिनोमिनेटर से पावर को न्यूमिनेटर में मूव करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव पावर्स हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगी, और अगर पॉजिटिव पावर है तो वो नेगेटिव। अब हमने सेम एलिमेंट्स को, सेम जो आपके पास बेसिस है उनको इकट्ठा कर लेना है। ये आपके पास x की 4, x का स्केयर, y की माइनस 3, y की 1 एंड z की पावर 4 होल पावर क्यूब। अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी, x x सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, x की 4 प्लस 2, y की माइनस 3 प्लस 1 और z की पावर 4 एज इट इज आ जाएगी का क्यूब। अब फर्दर इसको देखते हैं, ये 6 आ गया, y की माइनस 2, z की 4 और ये आ गया 3। अब सबके ऊपर पावर को ब्रेक कर दे, मल्टीप्लीकेशन में सबके ऊपर पावर अलग अलग कर सकते हैं, तो अपने पावर को सबके साथ सेपरेटली लिख देना है। और इसके बाद हमने ये करना है कि अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 6 का 18, 6 और z की 4 3 का 12। अब आपने माइनस 6 को नीचे ले जाना है, तो जब माइनस 6 को नीचे लेकर जाएंगे तो x की 8 स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, यह आ जाएगा x की 18, y की माइनस 6, z की 12। तो ये नेगेटिव पावर है, इसको अवर में ले जाए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ये y की 6 आ गया, दिस इज आंसर। जब ये क्वेश्चन है इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम 81 को ना ब्रेक करेंगे, 81 को ब्रेक करें, 327 जा स्मॉलेस्ट में आपने कोशिश करनी है ब्रेक करें, 33 जा 31 जा, तो कितने 3 आ रहे हैं, 4 3 आ रहे हैं, तो आप इधर लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 n माइनस 1 और ये आ गई, ये भी इसका एक और लिखे ना ऊपर 243, ये इसका भी आ जाएगा, 5 3 आएंगे इसमें, ये आ गए। अब नीचे डिनोमिनेटर को भी ब्रेक करना है, तो ये आप लिख सकते हैं इसे 3 की पावर 3 × 3 की पावर 2n और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3। अब ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ना 3 × 3 × 3 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4 की पावर n इंटू 3 की 5 माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर की पावर 2n इंटू 3 की 3। अब पावर्स पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, 4n से मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट 4n इंटू 3 की 5 माइनस 3 की 4n माइनस 1 इंटू 3 की 5 डिवाइडेड बाय, इधर लिखे हैं 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। अब एक चीज हम देखते हैं कि कॉमन अगर कोई चीज आ रही है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये कॉमन आपने लेना सीखना है क्योंकि कॉमन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपकी कैलकुलेशन को काफी इजी कर देता है। तो देखें 3 की पावर 4n यहाँ पे भी आ रहा है, 3 की पावर 4n यहाँ पे भी आ रहा है, एक तो हम 3 की पावर 4n को कॉमन ले लेते हैं और दूसरा 3 की 5 इसमें भी आ रहा है, 3 की 5 इसमें भी आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, या आप जस्ट 3 की पावर 4n कॉमन लें, ज्यादा लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 3 की पावर क्या है 4n, इसको कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 3 की पावर 5 बच जाएगा, यहाँ पे 3 की 5 माइनस ये 3 की पावर 4 कॉमन चला गया, 3 की पावर 4n कॉमन चला गया, अब 3 की माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पे, ये लिखेंगे 3 की माइनस 1 इंटू 3 की पावर 5, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 4n
इनटू 3 की पावर 3, ये 3 की 4 एंड 3 की 4 एंड से कैंसिल हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 की 5 माइनस ये बेसिस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 की 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। अब ये आ जाएगा 3 की 5 को दोबारा आप अगर लिखें तो 3 की 5 आपके पास आता है, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 243, यह आएगा 3 की 4, 3 की 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 27, 3 की 4 कितना होगा, 3 की 4 होगा 81 डिवाइडेड बाय 27। अब आप इनको माइनस करें और देखें क्या बचता है आपके पास, ठीक है, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बच जाएगा, और 14 में से ये 6 आ जाएगा, 162/27। इसकी अगर आपसे कटिंग हो सकती है तो इसकी कटिंग कर लें, ठीक है, 9 के टेबल से ये कट रहा है तो ये 3 और ये 9 कितने सा होगा, 162, 9 1 9, तो ये आ गया 72, 9 8 18 टाइम्स, तो ये फर्दर भी कटिंग हो रही है, तो 3 ये 18 आ गया, तो 3 6 18, तो 6 इज योर आंसर। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, जैसे भी आपसे हो सकती है आपने करनी है बाय यूजिंग राइट स्टेप। अब ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके ना इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। इसके लिए ना पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, जो नीचे आपके पास एक्सप्रेशन है इसको ऊपर मूव करें तो पावर का साइन चेंज करते जाए, इधर भी यही काम किया, इसमें भी अब यही स्टेप आप यूज करेंगे, माइनस सी आ जाएगा बी प्लस सी, यहाँ पे भी यही काम करना है, एक्स की सी इंटू एक्स की माइनस ए सी प्लस ए। अब बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी, एक्स की बी माइनस सी की पावर बी प्लस सी, और एक्स की पावर सी माइनस ए की पावर सी प्लस ए। अब पावर्स पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो याद रखिएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और एक्स की बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और एक्स की सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। या अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें इनको, स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा एक्स की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बी बी से कट गया, सी सी से, ए ए से, तो ये एक्स की पावर जीरो, तो जिसकी पावर जीरो होगी वो वन के इक्वल होगा, पावर अगर जीरो तो ये वन के इक्वल होगा, तो विच इज राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। अच्छा भैया, अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 27 को, हम पहले ब्रेक कर चुके हैं, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, 3 × 3 × 3, ये 1/3 आ गया। अब 60 को ब्रेक करते हैं, 60 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 30 2 15 3 5 5 1, ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 की पावर 1/2। डिनोमिनेटर को भी आप इसी तरीके से स्प्लिट करेंगे, 180 को आप ब्रेक करते हैं, 182, 9 × 90 आ जाएगा 45, 315, 35 एंड 51। अब इसको भी लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 की पावर 1/2, और ये 4 को 2 × 2 की पावर माइनस 1/3, एंड 9 को ब्रेक करें 3 × 3 की 1/4। अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की 1/3 इनटू ये क्या आ जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब की पावर 1/3, और 2 की पावर 2, और 3 एंड 5 इसी तरह आ जाएंगे 1/2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आएंगे 2 की 2 आ जाएगा, 2 की 2, 3 की 2 एंड 5 एज इट इज आ जाएगा पावर 1/2। ये आ जाएगा 2 की 4 की पावर माइनस 1/3 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर की पावर 1/4। अब पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 2 की 1/3, 3 की 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 2 की 2 इंटू 1 बाय
तो इसकी पावर अलग करें, 3 की पावर 1 बाई 2 अलग कर दें, 5 की पावर 1 बाई 2 आप सेपरेट कर दें। इसी तरह 2 की 2 को मल्टीप्लाई करें, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते जाएं, ये पावर स्प्लिट कर दें सबके ऊपर, डालेगा 1 बाई 2 और 5 की 1 बाई 2। इसी तरह ये पावर मल्टीप्लाई होगी 2 की 2 1 जा 2 तो माइनस 2 बाई 3 और 3 की ये 2 कटेगा तो 1 बाई 2 आ जाएगा। अब देखें ऊपर नीचे जो सेम नंबर्स हैं जो कट सकते हैं उनको आप काट लें, जैसे ये आपको नजर आ रहा है 5 की 1 बाई 2, 5 की 1 बाई 2 राइट हो गया, और अगर कोई कैंसिल हो रहा है ये 2 पावर को पावर से भी काट दें जो कट रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिखना है, जो चीजें बच गई उनको लिख दें तो आपको काफी रिफाइंड फॉर्म मिलेगी, 2 की 1 बाई 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 की 1 बाई 2 इंटू, बस ये आ गई, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आपके पास बची 2 इंटू 3 इंटू 2 की माइनस 2 बाई 3 इंटू 3 की 1 बाई 2। अब देखें जो जो कैंसिल हो सकती है टर्म्स उन्हें कैंसिल करें, 3 की 1 बाई 2 3 की 1 बाई 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 सॉरी 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास जो चीज बची है वो एक ही चीज बची है, 2 की 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 की माइनस 2 बाई 3। इसको ऊपर ले जाए, यह आ जाएगा 2 की 1 बाई 3 इंटू 2 की माइनस 2 बाई 3, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यह आ जाएगा 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, ऐड करें तो यह आ जाएगा 2 की, ये एलसीएम लेंगे ना तो ये माइनस 1 बाई 3 आ जाएगा। तो देखिए अब इसकी पावर जो है ना वो नेगेटिव आ रही है, 2 की माइनस 1 बाई 3 आ रही है पावर, तो अच्छा ये ऊपर जाके ना पावर पॉजिटिव हो जाए, नीचे से जब ऊपर मूव करेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर आपने एलसीएम लेके इसको ऐड करना है, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, या आ जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 ओवर 3, 3 3 से कटिंग करेंगे तो 2 बच जाएगा, ये आपके पास 2 इसका आंसर आ गया।